मंच ने मुझे भारत को, भारत की दृष्टि को, और विवेकानंद जी ने जिस तरह से इस भारत की सोच को विश्व के पटल पर रखा, उसको समझने का जो मौका दिया, उस कारण से बहुत सारे, मतलब मेरे जैसे अंतरराष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन करने वाले या पत्रकारिता करने वाले लोग भारत में कम नहीं है, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम हैं जो भारत की दृष्टि से विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन या विचार करते हैं। और वो दृष्टि जो मुझे दी, वो स्वामी विवेकानंद और विवेकानंद केंद्र की ओर से मुझे स्वामी जी के समग्र वांग्मय का, उस समय 12 खंडों का जो संचय एक प्रतियोगिता के उपलब्धि के रूप में मुझे मिला, उसने मेरा ये मार्ग प्रशस्त किया। उसी दृष्टि से स्वामी जी के विचार, स्वामी जी का विश्व बंधुत्व आज के संदर्भ में मुझे जो समझ में आया, वो आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। 11 सितंबर को स्वामी जी ने जो भाषण शिकागो में दिया, जो स्वामी जी के बारे में जानते हैं, विवेकानंद केंद्र से जुड़े हैं, उन सब लोगों को ये पता होगा कि वो वहां पे कोई अधिकृत रूप से निमंत्रित नहीं थे। बहुत बहुत कष्ट से, बहुत मुश्किल से वहां पे पहुंचे थे। वहां पे बोलने के लिए उनका कोई समय भी निर्धारित नहीं था। जो भाषण उन्होंने पहले दिन दिया है 11 सितंबर का, वो सबसे छोटा भाषण है उनका पूरे शिकागो की सर्वधर्म परिषद जो हुई है उसमें, सबसे छोटा भाषण स्वामी जी का है, लेकिन सबसे ज्यादा वाहवाह जो है वो स्वामी जी ने बटोरी है। उस भाषण का यदि हम सार ठीक से समझते हैं, तो मुझे लगता है कि इस विश्व बंधुत्व दिवस को मनाने का जो, मनाने की जो दृष्टि है, वो शायद हमें प्राप्त हो सके। मेरा सौभाग्य था कि 2018 में, आज से 3 वर्ष पूर्व, शिकागो में वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस हुई थी, और मौका था स्वामी जी के इसी भाषण के 125 वर्ष पूरे होने का। शिकागो में, उसी शिकागो में 125 वर्ष पूर्व स्वामी जी ने भारत का, हिंदुत्व का, विश्व बंधुत्व का जो संदेश पूरे विश्व पटल पर रखा था, उसके 125 वर्ष पूरे हो रहे थे। और ऐसे में एक विश्व हिंदू सम्मेलन वही शिकागो में होने जा रहा था, और वहां पे अलग अलग विषयों के अलग अलग पैनल्स बने हुए थे, उसमें से मीडिया और हिंदुत्व के पैनल को, जो पैनलिस्ट थे उसमें से मुझे भी संबोधित करना था। तो उस समय शिकागो में, उसी स्थान पर जहां से 1893 में 11 सितंबर को स्वामी जी ने अपना व्याख्यान दिया था, वहां पे भी मैं एक तरह से तीर्थ क्षेत्र की तरह दर्शन के लिए गया, तो ध्यान में आया कि यह स्थान तो बहुत छोटा है। तो ऐसे में ये सर्वधर्म परिषद वहां पे कैसे हुई होगी, तो इसलिए मैंने वहां के स्थानिक कार्यकर्ताओं से जानकारी लेने का प्रयास किया। तो उन्होंने ये बताया कि ये स्टेज तो इतना ही था, ये स्थान आगे जाकर बड़ा जरूर था, लेकिन आप जैसा सोच रहे वैसा नहीं था, क्योंकि ये कोई बहुत बड़ा होने की अपेक्षा भी नहीं थी, संभावना भी नहीं। सामान्यतः हमको ये जानकारी है कि 11 सितंबर को स्वामी जी ने ये भाषण दिया, और उस भाषण के आधार पर
स्वामी जी ने अपना संदेश दिया। मैं 11 सितंबर के भाषण के संदर्भ में बात करूं, उससे पहले हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि कम से कम हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को जो विवेकानंद केंद्र से जुड़े हुए हैं, उनको ये ध्यान में रखना चाहिए कि स्वामी जी का ये कोई आइसोलेशन में एक भाषण नहीं था। स्वामी जी ने शिकागो सर्वधर्म परिषद में कुल 6 भाषण दिए और उस 6 भाषणों की एक तरह से हम कह सकते हैं कि 11 सितंबर का भाषण जो है उसने केवल एक भूमिका रखी। मूल जो उनका सारा विचार आया है वो तो उसके बाद के भाषणों में आया है, जिसने आयोजकों को बाध्य कर दिया कि वो जो छोटा स्थान है वहां से सर्वधर्म परिषद को का स्थान बदल दे और अन्य स्थान जहां पे अभी एक शिकागो में वर्ल्ड साइंस म्यूजियम है उस स्थान पर स्वामी जी के भाषण रखे। उस समय के शिकागो के जो दैनिक समाचार पत्र है उनका कवरेज यदि हम देखेंगे तो हमको ध्यान में आएगा कि स्वामी जी के विचारों का किस तरह का प्रभाव और किस तरह की खलबली उस समय अमेरिका जैसे देश में भी मच गई। तो ये जब तक हम इन 6 भाषणों को समग्र रूप से नहीं देखते तब तक वो विश्व बंधुत्व का संदेश भी हमें ठीक से नहीं समझ में आएगा। अब जहां तक हम 11 सितंबर के भाषण की बात करते हैं तो कुल मिलाकर हमें ये ध्यान में आता है कि इस भूमिकाप्रद भाषण में उन्होंने 3 हिस्सों में अपनी भूमिका रखी है। पहला हिस्सा तो वो है जिसमें उन्होंने एक तरीके से कॉल दिया है और उस कॉल के आधार पर उन्होंने मैं कौन हूं, मैं कहां से आता हूं, इसके आधार पर एक तरीके से संवाद सारे जो विश्व भर से आए हुए विभिन्न विचारों के विभिन्न संप्रदायों के जो वहां पे प्रतिनिधि है उनके सामने एक तरीके से अपनी भूमिका रखी है। और जब वो माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका इससे शुरू करते हैं जहां पे लेडीज एंड जेंटलमैन की परंपरा है वहां पे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के नाम से शुरू करना ही अपने आप में एक भारत की अलग पहचान को दिखाने वाला था। दूसरा इस भाषण का हिस्सा जो है उसमें मैं किसको रिप्रेजेंट करता हूं, तो उन्होंने जो कहा कि आई रिप्रेजेंट द सिविलाइजेशन, मैं एक सभ्यता का प्रतिनिधित्व करता हूं। और वो सभ्यता क्या है? तो वो सभ्यता है जिसने सारे मानव जाति को आध्यात्मिकता के आधार पर जीवन दर्शन दिया और विश्व से जो जो भी प्रताड़ित होकर आए उन सबको न केवल आश्रय दिया अपने आप में समा लिया, उनकी विविधता को सम्मानित करते हुए उनकी विविधता को बनाए रखते हुए उनके सारे उपासना पद्धति का सम्मान करते हुए इस सभ्यता ने उनको अपने आप में समा लिया। और वो स्पष्ट करते हैं यहाँ पे एक मजेदार बात जो है जिस पर बहुत बार ध्यान नहीं जाता है,
वो कहते हैं कि आई थैंक यू इन द नेम ऑफ मदर ऑफ रिलीजन्स, मैं सारे उपासना पद्धतियों की जो जि, जि, जिन जिसका मातृत्व एक तरीके से जिसके पास जाता है ऐसी सभ्यता से मैं आपका स्वागत करता हूं। आई थैंक यू इन द नेम ऑफ मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ हिंदू पीपल ऑफ ऑल क्लासेस एंड सेक्ट्स, सारे वर्ग और सारे उपासना पद्धति, सारे जितने पंथ है उन सारे पंथों का, पंथों के हिंदू लोगों के द्वारा। तो हिंदू में अलग अलग पंथ है और वो सारे एकत्रित जीते हैं, इसका एक मैसेज स्वामी विवेकानंद देते। दूसरा हिस्सा जो है वो मुझे लगता है कि और ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसमें वो कहते हैं कि क्योंकि आजकल आज के सारे मैं यदि मीडिया की बात करूं, इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स की बात करूं, जो वैचारिक संघर्ष सारा चल रहा है उसमें बार बार टॉलरेंस की बात आती है, और ये कहा जाता है कि जीवन में टॉलरेंस जो है वो, या भारत जो है वो ज्यादा इनटॉलरेंट हो रहा है। यहाँ पे स्वामी जी जो संदेश दे रहे हैं वो आज के संदर्भ में भी उतना ही महत्वपूर्ण है। टॉलरेंस, ये संकल्पना जो यूरोप में आई वो कोई स्वीकार्यता की संकल्पना नहीं, वो सहने की संकल्पना। टॉलरेट का अर्थ होता है सहना। तो आप सामने वाले की उपासना पद्धति, उसके विचारों को सहो जब तक आप अपने विचारों से उसको प्रभावित करके अपने पथ पर नहीं ले आते हो। लाना उसको अपने पथ पर ही है, उसको स्वीकार नहीं करना। और इसीलिए स्वामी जी शब्दों का प्रयोग करते हैं, वी बिलीव नॉट ओनली इन यूनिवर्सल टॉलरेशन बट वी एक्सेप्ट ऑल रिलीजन एज ट्रू। सारी उपासना पद्धतियों को सत्य सत्यता मानने वाला एक ऐसा पथ है जो किसी को भी, और इसीलिए उन्होंने जो शब्द दिया है, मैं मानता हूं कि विश्व बंधुत्व का यदि कोई आधार तब भी था, आज भी है और सनातन काल से वही रहा है और रहेगा, तो वो यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस का है। अभी अमित जी ने विषय प्रवेश करते हुए जो कहा कि भी और ही का जो अंतर है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस, हमारे यहाँ पे जो मूलभूत विचार है कि एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, सत्य तो एक है, उस तक पहुंचने के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। और इसीलिए गीता का उद्धरण देते हुए स्वामी जी एक समान ध्येय के लिए अलग अलग रास्तों से पहुंचने का एक मार्ग प्रशस्त करते हैं 11 सितंबर के इस भाषण के द्वारा। आगे फिर वो अन्य भाषण जो उनके हैं शिकागो में, भाई वी डिसएग्री, जो 15 तारीख को हुआ था, कि हमारे आपस में जो मतभेद क्यों होते हैं, मतभेद से हिंसा पर वो आगे जाते हैं लेकिन मतभेद क्यों होते हैं, तो उसमें वो कुएं के मेंढक की कथा सुनाते हैं और वो कहते हैं कि वो समुन्दर से आए हुए व्यक्ति को भी स्वीकार नहीं कर पाता। तो ये बहुत कड़ा मैसेज था, और मैं मानता हूं कि उससे कड़ा मैसेज जो था उसके दो आगे के दो भाषणों में था, और जिनको स्वामी जी का अध्ययन करना है मैं मानता हूं कि 19 सितंबर और 20 सितंबर की ये जो दो भाषण हैं स्वामी जी के, ये सबसे फंडामेंटल थॉट प्रोसेस, भारत की मूलभूत चिंतन प्रक्रिया को विश्व के पटल पर रखने वाले ये दो भाषण। पहला जो 19 सितंबर का जो भाषण है वो पेपर ऑन हिंदुइज्म है, जिसमें उन्होंने प्री हिस्टोरिक पीरियड जहां पे ये मोनोथीज्म नहीं था, इस्लामिक जुडाइज्म और इस्लामिज्म के क्रिश्चियनिटी के मोनोथीस्टिक रिलीजन्स नहीं थे,
और वेदांतिक फिलॉसफी के आधार पर अन्यान्य मार्गों से चलने की परंपरा थी। तो वेदों की उत्पत्ति से लेकर इतिहास के, जहाँ पे इतिहास पश्चिम मानता है क्रिश्चियनिटी के ओरिजिन से, 1st सेंचुरी से, वहां तक का जो जो जीवन दर्शन था उसको इस पेपर में स्वामी जी ने रखा। और इसके आधार पर उन्होंने जो भारत की आध्यात्मिकता की दृष्टि और उसकी वेरिफिकेशन की मेथड, यहाँ पे एक ध्यान रखना जरूरी है कि स्वामी जी जो है वो अलग-अलग उदाहरणों से भारत की जीवन दृष्टि की अनुभूति पश्चिम को करा रहे हैं। वो जब कह रहे हैं कि अमृतस्य पुत्रा वयम, तो वो केवल भारतीयों के लिए नहीं कह रहे, चिल्ड्रन ऑफ इमोर्टल ब्लिस, ये वो सारे सारे मानव जाति के लिए कह रहे हैं। और ये भारत की दृष्टि के रूप में विश्व के सामने रख रहे हैं। इसके आगे जो स्वामी जी रखते हैं वो और इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वहां पे वो सीधा सीधा उस समय जो प्रभावशाली विचार और वहां का जो प्रभावशाली उपासना पद्धति है उसको एक तरीके से चैलेंज करते हैं। उस स्पीच का जो नाम है रिलीजन नॉट द क्राइंग नीड ऑफ इंडिया, इसमें वो 23 तारीख का, यदि आप शिकागो हेराल्ड का न्यूज़पेपर देखेंगे तो उसमें आपको ध्यान में आएगा कि ये इतना विवादित भाषण क्यों। उसकी शुरुआत ही वो करते हैं कि क्रिश्चियंस मस्ट ऑलवेज बी रेडी फॉर गुड क्रिटिसिज्म, और यहाँ पे वो बताते हैं कि हमें उपासना पद्धति के नाम पर और कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं है, हमारे पास वो पर्याप्त है। सारे रास्ते, जो रास्ते आपने सोचे भी नहीं होंगे, वो सारे रास्ते हमारे पास है। हमारी हमारी आवश्यकता तो विज्ञान है, हमारी आवश्यकता तो आर्थिक विकास है, हमारी आवश्यकता तो शिक्षा के और आधुनिक जो इंडस्ट्री के अन्य अन्य माध्यम है वो है। उनमें आप क्या कर सकते हो वो बताओ, जिसका आज सारा डिबेट चलता है मिशनरीज के सारे मेथड्स का। उस संदर्भ में पश्चिम में जाकर अमेरिका में उनकी भाषा में उन्हीं को इसकी आवश्यकता क्यों नहीं है ये समझाने का काम स्वामी जी का। और इसीलिए जब हम विश्व बंधुत्व दिवस मना रहे हैं तो मैं मानता हूं कि स्वामी जी के ये जो 6 के 6 भाषण, इसके आगे का जो है वो बुद्धिज्म, द फुलफिलमेंट ऑफ हिंदुइज्म, और उनका जो फाइनल एड्रेस है शिकागो में, वो 27 तारीख को है, जिसमें वो कहते हैं कि ये जो सर्वधर्म परिषद है जिसमें कॉमन ग्राउंड ऑफ रिलीजियस यूनिटी कहा गया है, वो कहते हैं कि ये यूनिटी जो है ये यूनिफॉर्मिटी ढूंढने का प्रयास ना करे, मेरा ही रास्ता सही है और इसलिए सबको इस पर आना है। अपना अपना रास्ता चुनने का सबको अधिकार हो, जो इनके अंतिम वाक्य है स्वामी जी के, कि डू आई विश दैट द क्रिश्चियन वुड बिकम हिंदू, गॉड फॉरबिड, डू आई विश दैट द हिंदू और बुद्धिस्ट वुड बिकम क्रिश्चियन, एंड अगेन ही सेज नॉट एट ऑल। तो भारत के दृष्टि से विश्व बंधुत्व को
यदि दुनिया के सामने रखना है तो उसके कुछ मूलभूत सिद्धांत स्वामी जी इन भाषणों में रखते हैं। और वो मूलभूत सिद्धांत यदि हम उनका स्मरण करते हैं तो मुझे लगता है कि विश्व बंधुत्व दिवस का सही में स्मरण करना हो। क्या है वो मूलभूत सिद्धांत? तो सबसे पहला सिद्धांत तो उसमें इन भाषणों में जो स्वामी जी रखते हैं वो ये है कि भारत की जो जीवन दृष्टि है, जो आध्यात्मिक जीवन दृष्टि है, वो जीवन दृष्टि अनुभूति पर आधारित है और इसीलिए उस अनुभूति के आधार पर सबको अपना अपना रास्ता चुनने का अधिकार है। मैं सामान्यतः एक्सप्लेन करने के लिए कहता हूं कि यूरोप जो है उसने पूरे विश्व को पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का संदेश दिया, राजनीतिक स्वतंत्रता, एक व्यक्ति एक मत। जो अमेरिका और उसकी व्यवस्था है उसने पूरे विश्व को इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का रास्ता सुझाया कि हर व्यक्ति है उसको व्यवसाय करने का अधिकार होना चाहिए, इकोनॉमिक फ्रीडम होना चाहिए। भारत का यदि विश्व को कोई देन है जिसको स्वामी जी ने, यदि मुझे एक शब्द में आज की जो पीढ़ी है उसको समझाना है तो मैं कहूंगा कि भारत का यूनिकनेस जो है, हिंदूनेस जो है, वो भारत की स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी। भारत में कभी भी किसी भी व्यक्ति ने, राजा ने अपनी उपासना पद्धति दूसरे व्यक्ति पर नहीं थोपी। आज का सबका सारा का सारा आप सेकुलरिज्म का डिस्कोर्स जहां से शुरू होता है, उस सेकुलरिज्म के डिस्कोर्स को 15वीं 16वीं शताब्दी से यदि आप ट्रेस करते तो आपको ध्यान में आएगा कि राजा और पोप इनके आपस के संघर्ष में जो रक्तपात हुआ और वहां से टॉलरेंस की कंसेप्ट आई कि हम एक दूसरे को सहे, स्वीकार ना करें, सहे, तो टॉलरेंस और टॉलरेट करने की जो संकल्पना आई वो किस कारण से आई? क्योंकि व्यक्ति को अपना रास्ता चुनने का अधिकार है। हमारे यहाँ पे हर परिवार में अलग अलग ईश्वर को मानने वाले भी लोग हो सकते हैं। किसी भी स्थापित ईश्वर के नाम को ना मानने वाले भी हो सकते हैं, पूर्णतः नास्तिक या चार्वाकवादी भी हो सकते हैं। नए ईश्वर की खोज में निकले हुए भी हो सकते हैं। जो जीवित है उनको गुरु या ईश्वर मानकर उनके चरणों में सेवा करने वाले भी हो सकते हैं। अपने आप को ईश्वर घोषित करने वाले भी हो सकते हैं। लेकिन उनको कभी भी कोई भी व्यक्ति केवल वो अभी तक के जो सारे बताए गए रास्ते हैं वो नहीं मानते, इसलिए उनकी हत्या कर देगा, ऐसा भारत में नहीं होता है और ना होगा। भारत में अपवाद से एक हाथ दूसरा खास करके इस्लामिक कालखंड में छोड़ दिया जाए तो भारत में किसी भी राजा ने अपनी उपासना पद्धति भी अपनी प्रजा पर नहीं थोपी। उसने अपने जीवन में अपने कुल देवता का जरूर पूजन किया होगा, आचरण में उसको महत्व दिया होगा, लेकिन राज्य के व्यवहार में सबको उसी देवता को मानना ही आग्रह कभी नहीं। ये यूरोप में नहीं हुआ था और इसलिए मैं कहता हूं कि भारत की ये विशेषता रही जो विश्व बंधुत्व का आधार बन सकती है। आज हम देख रहे हैं कि एक तरफ जैसे मिशनरीज का कन्वर्जन का इशू है और फ्रॉड्स के आधार पर, गलत पहचान के आधार पर हिंदू परंपराओं को गलत तरीके से दिखाकर, आर्थिक प्रलोभन दिखाकर, भ्रष्ट मार्गों से
खास करके स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में का जिस तरह से दुरुपयोग हो रहा है मतांतरण के लिए। और दूसरी तरफ तलवार के नोक पर जो हमने देखा इस्लामिक आक्रमण और आज तालिबानी सोच के आधार पर जो हम देख रहे हैं, ये दोनों ये दिखाते हैं कि इसेंशियली और इन सबका वैचारिक आधार बना हुआ कम्युनिज्म भी, जहां कहीं पे भी मतभेदों का स्वीकार नहीं और उसका मूल है क्योंकि स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी। जब तक आध्यात्मिक लोकतंत्र नहीं होगा तब तक सारे लोकतंत्र व्यर्थ है, ये भारत के विश्व बंधुत्व का सबसे मूलभूत आधार। ये क्यों संभव है? क्योंकि भारत की जीवन दृष्टि जो है वो धर्माधिष्ठित है। धर्म यानी उपासना पद्धति केवल नहीं, धर्म यानी जो जोड़ता है। धर्म जिन मूल्यों के आधार पर समाज की धारणा थी, एक सूत्रबद्धता से बांधता है। तो इसलिए इस धर्म की धारणा को विश्व के सामने पुनः पुनः प्रतिपादित कर इस धर्म की दृष्टि के आधार पर छोटे छोटे उदाहरणों से हमें आज की समाज में, उस समय पर्याय नहीं था इसलिए स्वामी जी ने रिलीजन शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन जहां जहां पे आवश्यकता पड़ी है वो वेदांतिक फिलोसफी कहते हैं। धर्म इस शब्द का अर्थ पर्यायी शब्द रिलीजन नहीं है। जैसे हम स्वयं के लिए यदि हम एक रहने के लिए चार दीवारें और छत बनाते हैं तो हम कहते हैं कि ये घर है, लेकिन किसी तीर्थ स्थल पर आने वाले जो भाविक है, जो यात्रा पर आते हैं, उस तीर्थ यात्रा पर आते हैं, उनको रहने के लिए यदि हम हमारा आर्थिक योगदान करते हैं और वहां पे यदि रहने की व्यवस्था करते हैं तो हम उसको धर्मशाला कहते हैं। मैं डॉक्टर हूं और मैं खुद का यदि व्यवसाय कर रहा हूं तो उसको हम अस्पताल कहते हैं, चिकित्सालय कहेंगे। लेकिन यदि समाज को सस्ते में सारी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले इसलिए मैं कुछ योगदान करके यदि कुछ शुरू करता हूं तो हम उसको धर्मार्थ कहते हैं। वो धर्मार्थ सेवा मानी जाती क्योंकि वो मुझे औरों से जोड़ती। भारत की सोच विश्व बंधुत्व की इसलिए बन पाई और स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी की इसलिए बन पाई क्योंकि ये धर्म के आधार पर जोड़ने वाली, पूरे विश्व को जोड़ने वाली, चर अचर सबको जोड़कर देखने वाली। मैं जब से जब जब मैं से हम का दायरा मैं बढ़ाता हूं तो मैं धर्म की बात करता हूं। विवेकानंद केंद्र भी इसी दृष्टि को अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से बढ़ाने का प्रयास कर रहा है और यह सर्कल जितना बड़ा होता जाता है, मैं एक व्यक्ति से मेरे परिवार का हम, उस परिवार के हम से मेरे मोहल्ला या मेरे गांव का हम, ऐसे करते करते जो परमेष्ठी तक पूरी। और इसीलिए जो तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कि ये स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी और धर्माधिष्ठित सोच जो है उसमें भारत ने कभी भी दो परस्पर विरोधी चीजों को, भारत कभी भी बाइनरीज में नहीं सोचता, दिस वर्सेस दैट में नहीं सोचता, मोनोथीज्म या पॉलीथीज्म, एकेश्वरवाद या बहुईश्वरवाद, इसमें पर्याय नहीं दिया भारत ने कभी। ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, सारे रास्ते थे। मटेरियल और स्पिरिचुअल, आपकी आध्यात्मिक प्रगति हो या आपकी भौतिक प्रगति हो,
भारत ने ये नहीं कहा कि दोनों में से एक ही होगा, भारत ने कहा दोनों महत्वपूर्ण है। तो इन दो बाइनरीज में सोचने की हमारी शिक्षा के आधार पर, और इसीलिए शिक्षा के विषय को स्वामी जी ने बार बार जो जोर दिया वो इसी कारण से दिया। और वो कहते हैं कि हमारी ब्रिटिशों की शिक्षा ने हमको क्या किया है, तो हमारे पूर्वजों को हम मूर्ख समझने लगे हैं। ल्यूनैटिक शब्द का प्रयोग करते हैं, हमारी सारी हमारे पिताजी है, हमारे दादाजी है, हमारे पुरखे है, हमारा जो ज्ञान है वो सारा व्यर्थ है। इस मानसिकता में जो हम पहुंच गए हैं, वो कहते हैं कि हमारी जो सारी गुलामी है उसका मूल कारण इसमें। अंत में मैं केवल एक बिंदु इसमें और जोड़ना चाहूंगा। अभी किसी ने चैट बॉक्स में भी रखा, आज के संदर्भ में प्रासंगिकता और किस तरीके से और क्यों आज स्वामी जी के इन विचारों को फिर से हमें पुनर्भाषित करने की, रिविजिट करने की जरूरत। आज जो पूर्ण संपूर्ण विश्व है वो एक बड़े संक्रमण काल से गुजर रहा है, और भारत की सोच में तो मान लीजिए कि कलयुग भी आता है तो सतयुग आएगा, ये विश्वास है। हमारे लिए कोई वो डूम्स डे नहीं है, हमारे लिए कोई कयामत की रात नहीं है, हमारे लिए सब कुछ समाप्त नहीं हो जाता है, सतयुग आएगा ये विश्वास है। लेकिन उस सतयुग को पुनर्स्थापित करने के लिए, उस धर्म के आधार पर जीवन को स्थापित करने के लिए, धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोगों को प्रयास भी करने पड़ते हैं। आज जो संक्रमण से सारा विश्व गुजर रहा है उसके कुछ प्रमुख कारण है। पहला तो कारण है कि लगभग 17वीं शताब्दी आते आते जो क्रूसेड वर्सेस जिहाद एक तरीके से जो सोच यूरोप में पल रही थी, उसमें से क्रूसेड जो जो क्रिश्चियनिटी की सोच थी और उसके आधार पर सो कॉल्ड मॉडर्निटी, उस मॉडर्निटी ने तो उस मॉडर्निटी ने हमें एक तरीके से संपूर्ण मानव जाति को प्रभावित किया। विकास का एक मॉडल जो मूलतः भौतिकता के आधार पर आगे ले जाना वाला हो, उसको उस भौतिकता के मॉडल को सब पर इम्पोज किया। उसके साथ साथ उसका मूल जो था, और स्वामी जी ने उसका बहुत अच्छा विश्लेषण किया है, वो मुझे लगता है कि पूरी सोच को, वैचारिक प्रक्रिया को कॉलोनाइज किया। हमारी केवल व्यवस्था जो है उसमें हम गुलाम नहीं हुए, हमारी सोच गुलाम हो गई, और इसी कारण से हमारा जो जो है वो हीन है, वो पिछड़ा है, ऐसा हमें लगता है। और उस कारण से हम चाहते हुए भी हमारे बहुत सारे चीजों को ठीक नहीं कर पाते। दूसरी तरफ हिंसा का, हिंसा के आधार पर सत्ता का मार्ग प्रशस्त होने लगा। पर्यावरण और विकास ये एक दूसरे के कॉन्ट्रेडिक्टरी मानकर एक सोच ये बढ़ चली कि विकास करना है तो पर्यावरण का तो ह्रास करना पड़ेगा। और इन सारे सोच के आधार पर हम विनाश के ऐसे रास्ते पर चल पड़े कि हमने जीवन के मूलभूत प्रश्नों को ही एड्रेस करना छोड़ दिया। जो इटर्नल और इमोर्टल है, जो परफेक्ट और इन्फिनेट है, उनकी खोज में जीवन लगा देने की जो मानसिकता थी, उसको भी हमने एक बिजनेस मॉडल में देखना शुरू कर दिया। मैं मानता हूं कि आज के संदर्भ में स्वामी जी जिस मिशन पर
निकल पड़े थे, वो उसके दोनों आयामों पर काम करने की आवश्यकता है। एक आयाम था जो उन्होंने शिकागो में किया, कि शिकागो में उन्होंने विश्व बंधुत्व का संदेश दिया और उसके आधार पर वेदांतिक फिलॉसफी, जिसको उन्होंने कहा, उसकी एक तरीके से विजय विजयी घंटा उन्होंने सर्वधर्म परिषद में बजाई। लेकिन वही स्वामी विवेकानंद जब भारत वापस लौटते हैं, कोलंबो से अल्मोड़ा तक के उनकी स्पीचेस है, तो वो वही स्वामी जी कहते हैं कि इस समाज को फिर से जगाना हो, इस समाज के स्व को जगाना होगा, इस समाज को जो पूरे विश्व को अपना मानता है, हर व्यक्ति में एक डिवाइन शक्ति है, हर जीव में एक ईश्वर प्रदत्त है, एक जो अचर है उसमें भी एक ईश्वरीय शक्ति है, ये मानता है वो, जब तक भेद के रूप में देख रहा है अपने ही समाज के भाई बहनों को, किसी भी आधार पर, चाहे वो जाति के आधार पर, चाहे वो अन्य किसी भी आधार पर हो, तो वो सही में वेदांतिक फिलोसफी नहीं हो सकती। और इसलिए वो अल्मोड़ा से कोलंबो से अल्मोड़ा जाते हुए आगे जाकर वो पूरा संकल्प जो करते हैं प्रबुद्ध भारत का, उसमें वो युवाओं को जोड़ने का, युवाओं को जागरण करने का, धर्म के आधार पर समाज में जागरण का। तो एक जो हमें विश्व के लिए विश्व बंधुत्व का संदेश देना है, लेकिन वो संदेश और प्रखर हो, इसलिए हमारे अंदर सनातनता के मूल्यों की पुनर्स्थापना करना, हमारे विचारों को, हमारे मूल्यों को, हमारी सोच की पद्धति को डीकॉलोनाइज करना, जो औपनिवेशिक मानसिकता का प्रभाव हम पर जम गया है, उससे एक तरीके से मुक्त होना। मैं मानता हूं जब हम स्वतंत्रता के अभी 75 वर्ष मनाने जा रहे हैं, तो 2022 15 अगस्त को वो जब पूरे होंगे, तो मैं मानता हूं कि उस समय हमको ये संकल्प करना होगा, यदि पूरे विश्व के लिए विश्व बंधुत्व के इस संदेश को हमें प्रस्थापित करना है और जीवित रखना है, तो भारत में इस धर्म की दृष्टि का पुनर्जागरण, स्व का जागरण, ये उसकी प्री कंडीशन है। तो विश्व में हम हिंदुत्व की पताका को, विश्व बंधुत्व के विचार को प्रस्थापित करें, उसके लिए जो हिंदुत्व को, हिंदुत्व में भेद पैदा करने वाली, उसको बदनाम करने वाली शक्तियां हैं, उनको भी एक्सपोज करें, उनका चेहरा जो है असली, उसको भी बेनकाब करें, जो स्वामी जी ने शिकागो में जाकर किया। लेकिन उसका तीसरा जो एस्पेक्ट है, हमारे समाज को धर्म की दृष्टि के आधार पर पुनर्स्थापित और पुनर्संगठित करने का, करने की जो प्रक्रिया है, उसमें भी अपना अपना योगदान दे। तो मैं मानता हूँ कि स्वामी जी का विश्व बंधुत्व का जो विचार है, वो अपने आप में, स्वामी जी के भाषा में कहूँ तो, भारत जो है वो अनुभूति का विषय है, कॉन्शियसनेस। तो ये जो अनुभूति है, ये अनुभव के आधार पर आती, ये केवल अनुसंधान के आधार पर नहीं आती, भारत जो है उसको रियलाइज करना पड़ता है। मैं मानता हूं कि हम भारत की इस भारतीयता को, भारत के विश्व बंधुत्व के विचार को, जिसको स्वामी जी ने विश्व में प्रस्थापित करने का यशस्वी प्रयास किया, उसको आज के संदर्भ में पुनर्स्थापित करने के लिए हम, हमको प्रेरणा मिली।
करे, तो मैं मानता हूं कि सही में विश्व बंधुत्व दिवस हमने मनाया, ऐसा करने की हम सबको प्रेरणा मिले, ऐसे भारत माता के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। आयोजकों को पुनः एक बार धन्यवाद, नमस्कार। बहुत ही ज्ञानवर्धक रहा सर। मैं प्रशिक्षु जीवन वृत्ति चिराग परमार जी को आमंत्रित करती हूँ प्रश्नोत्तर सेशन के संचालन के लिए। जी, सभी को नमस्ते। जी चैट बॉक्स एवं कुछ व्हाट्सएप के ऊपर भी आज के विषय को लेते हुए कुछ प्रश्न आए हैं। मैं नकुल जी से विनंती करता हूँ कि कुछ प्रश्नों के जवाब दें। प्रश्न है, भारत में आध्यात्मिक लोकतंत्र है या लोकतांत्रिक आध्यात्मवाद है? मैंने उसको स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी कहा, क्योंकि आज के संदर्भ में यदि समझना है तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के कॉन्टेक्स्ट में स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी, तो जिसकी आपको डेमोक्रेसी है वो पहले रखा जाता है अंग्रेजी में। आप हिंदी में रखते हो तो शायद वो लोकतांत्रिक अध्यात्म हो सकता है, लेकिन फिर भी उसमें मुझे एक आपत्ति है के भारत में जो है वो बहुत बार हम पश्चिम दृष्टि से सोचने के कारण इजम्स में फंस जाते हैं। भारत में कौन सा अध्यात्मवाद है? और वाद है तो उसमें विवाद है, वाद है तो उसमें दूसरी साइड है। When there is opposition, there is ism. क्योंकि ism की मूल धारणा ये है कि आप क्या एक कोई पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है, उस पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव के पास पहुंचने के लिए कोई ना कोई एक प्रोग्राम है, और उस प्रोग्राम के आधार पर आपकी कोई पॉलिटिकल एक तरीके से आइडियोलॉजी का फॉर्मेशन, वहां से शब्द आया है इज्म। भारत में कभी अध्यात्मवाद ये शब्द था ही नहीं, आध्यात्मिकता था, अध्यात्म था, अध्यात्मवाद कभी नहीं था, राष्ट्रवाद कभी भी नहीं था। भारत में वेदों से लेकर उपनिषदों तक हजारों बार राष्ट्र शब्द का प्रयोग हुआ, राष्ट्रस्य शब्द का प्रयोग हुआ, राष्ट्राय शब्द का प्रयोग हुआ, लेकिन कभी राष्ट्रवाद शब्द का प्रयोग नहीं हुआ। ये तो सारे 16वीं 17वीं शताब्दी से यूरोप में आए हुए, नेशनलिज्म आया इसलिए राष्ट्रवाद आया, स्पिरिचुअलिज्म आया इसलिए अध्यात्मवाद कह रहे हैं। मुझे एक मजेदार बात जो कभी भी समझ में नहीं आई कि जो कभी भी इज्म नहीं था, मतलब जिसमें ना एक प्रेषित है, ना एक पुस्तक पर आधारित है, ना कोई एक ही पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है, विविधता का सम्मान करना यही सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है, उस हिंदुत्व को हिंदुइज्म कर दिया। लेकिन जो सही में वाद है और वादों के आधार पर सामने वाले के विचार को समाप्त करने की मंशा रखते हैं, वो क्रिश्चियनिटी हो गई, वो क्रिश्चियनिज्म क्यों नहीं है? वो इस्लामिज्म क्यों नहीं है? तो जो इज्म नहीं है उस पर इज्म थोपा गया। मैं इस आप इसको डेमोक्रेटिक स्पिरिचुअलिटी कहिए या स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी कहिए, उसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं है जहां तक इसके आचरण की बात। लेकिन मैं खुद मैं मेरा व्यक्तिगत मत यह है कि इसमें इज्म हमें कतई नहीं जोड़ना चाहिए। दूसरा प्रश्न था, सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म का स्वभाव रहा है सबको समावेश करने वाला, सभी को स्वीकार करने वाला, परंतु वर्तमान स्थिति में यदि हम देखते हैं तो संस्कृति का कहीं पे क्षतिग्रस्त हुई है। तो क्या यह बंधुत्व भाव, यह समावेश करने का भाव जो है वही
हमारी सती का कारण हो सकता है। नहीं देखिए, समस्या कहाँ पे है? समस्या समावेश करने से है क्या? समस्या मुझे लगता है समावेश करने से नहीं है। समस्या तब होती है जब उस समावेश करने के हमारे स्वभाव को हम अपना वीकनेस समझने लगते हैं। सामने वाले तो समझ ही रहे, हमारी स्वीकार्यता के मूल अर्थ क्या थे। तो मूलभूत सिद्धांतों पर कोई कॉम्प्रोमाइज किए बिना नई चीजों को स्वीकार करना, जब मूलभूत पर ही जब हम कॉम्प्रोमाइज करने लगे, हमारी जीवन शैली में, हमारी परिवार व्यवस्था में, हम ये धर्म हमारे धर्माधिष्ठित दृष्टि में, हमारा प्रकृति के साथ संबंधों में, हमारे विकास के मॉडल में, हमारी शिक्षा की पद्धति में, तो हमने हमारे फंडामेंटल्स के साथ कॉम्प्रोमाइज किया। जैसे ये इस वर्ष में 75 वर्ष का स्वतंत्रता का उत्सव मन रहा है, वैसे आचार्य धर्मपाल जो बहुत बड़े गांधीयन विचारक थे, उनकी भी जन्मशती का ये वर्ष है। तो उन्होंने ब्यूटीफुल ट्री नाम से एक पुस्तक लिखी और उन्होंने 18वीं शताब्दी में भारत की शिक्षा व्यवस्था पर जो लिखा है उसको हमको सबको अध्ययन करना चाहिए। स्वामी जी के विचारों के संदर्भ में भी वो, स्वामी जी के जो शिक्षा संदर्भ में विचार है उसके संदर्भ में भी वो महत्वपूर्ण है। तो भारत की जो समाज केंद्रित जो शिक्षा थी उसको राज्य केंद्रित कैसे बनाया गया, उसको राज्य पर निर्भर कैसे बनाया गया, तो हमारे स्ट्रक्चरल जो फंडामेंटल्स थे, हमारे जीवन में मंदिरों का स्थान, ये हमारा फंडामेंटल इशू था। हमारे समाज का राज्य राज्याधारित ना होना, हमारे इसमें राजा और राज्य महत्वपूर्ण थे, लेकिन उनका काम बाहरी आक्रमण से सुरक्षा देना और आंतरिक आंतरिक जो है वो न्याय की व्यवस्था को ठीक से बनाए रखना, धर्म के पालन करने वालों की रक्षा करना, अधर्म करने वालों का नाश करना, यहां तक सीमित था। लेकिन उसके आगे की सारी व्यवस्था समाज देखता था, धर्म के आधार पर देखता था, अपना अपना योगदान देकर देखता था, और उसमें मंदिर की व्यवस्था का स्थान सबसे महत्वपूर्ण था। उन मंदिरों को ही जब राज्य ने ले लिया, और ये सारा 1887 के बाद हुआ, 1887 में सारे ये एक्ट्स आने, 1860 में ट्रस्ट एक्ट आया, और उसके बाद 1880s में ये सारे फॉरेस्ट और टेंपल्स रिलेटेड सारे एक्ट्स आए, तब से हमारे समाज में जो क्षरण हुआ है हमारे फंडामेंटल्स के कॉम्प्रोमाइज करने के कारण हुआ है। कार्ल पॉपर नाम के एक ब्रिटिश थिंकर थे, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, द पैराडॉक्स ऑफ इनटॉलरेंस। आप यदि टॉलरेंस के प्रति, इनटॉलरेंस के प्रति यदि टॉलरेंट हो, जिसका हिंसा पर ही विश्वास है, हमने हमारे ब्राह्म तेज और क्षात्र तेज में जो संतुलन था उसको भी हम भूल गए। हमने ये तो ध्यान में रखा कि अहिंसा परमो धर्मा, उसका अगला हिस्सा जो है धर्मात हिंसा तथैव च, धर्म के रक्षण के लिए जो हिंसा होती है वो भी अहिंसा से कम नहीं है, वो हम भूल गए। तो जो हमारी ताकत थी उसको हमको इंटेलेक्चुअली दूसरों ने कमजोरी बताया, अरे आप क्या नहीं हो, आपके यहाँ बहुत सारे ईश्वर है, अरे हमारी ताकत है। हम इस जुगाड़ में लग गए कि हम भी कैसे एक ईश्वरवादी है, ये अपने आप को दिखाए। तो फिर जब स्वामी जी को ये ध्यान में आया तो स्वामी जी जैसे व्यक्ति कहते कि ठीक है, अगले कुछ समय के लिए भूल जाओ बाकी सारे ईश्वरों को, भारत माता को ही अपना ईश्वर मान। लेकिन इस कारण से अपने आप को कम मानना कि हम पॉलिथीस्ट है, हमारे पास बहु मार्ग है ईश्वर के पास पहुंचने के, और वो सक्सेसफुल इसलिए क्योंकि वो एकेश्वरवादी है, इसके आधार पर अपने आप पर एकेश्वरवाद थोपना, मुझे लगता है ये भारत के स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी के लिए और भारत के विश्व बंधुत्व के सारी संकल्पना के लिए सबसे पहली और फंडामेंटल इंटेलेक्चुअल चोट, वैचारिक एक आघात था, और वहां से ये पतन शुरू हुआ। ये पतन हमारे, हमने ग्रीक आए, शक आए, हूण आए, इवन इस्लामिक जो शुरू में आक्रमण आए, सबको हमने पचाया। हम पचा नहीं पाए जब हमारा हाजमा खराब हो गया।
हमारा हाजमा ठीक करने का एक ही मार्ग है, उस धर्म के रास्ते पर हम खुद चले और सारे समाज को चलने के लिए प्रेरित करें, तो हमारे समाज का धारण हाजमा ठीक रहेगा। हम दूसरों को स्वीकार भी करेंगे तो हमारी प्रकृति के आधार पर, हमारी कंडीशनलिटी के आधार पर करेंगे, कोई थोपरा इसलिए नहीं करेंगे। मुझे लगता है ये वैचारिक भान सबको देने की आवश्यकता है। और स्वामी जी हमें बार बार वो रेफरेंस पॉइंट देते हैं, जब वो हिंदू पेपर ऑन हिंदुइज्म भी रख रहे हैं और दूसरी तरफ वो रिलीजन इज नॉट अ क्राइंग नीड ऑफ इंडिया ये भी कह रहे हैं, तो मुझे लगता है स्वामी जी ये क्लियर कट हमें मैसेज दे रहे हैं कि ये हमारे लिए इंटेलेक्चुअल फ्रीडम मूवमेंट है, एक वैचारिक स्वतंत्रता का आंदोलन है जिसको हमें लड़ना है। अंतिम प्रश्न है, जब भारत को विश्व को बंधुत्व का संदेश लेते हुए प्रतिनिधित्व करना है तो भारत के आंतरिक रूप में भी कुछ मतभेद हैं, तो उस मतभेदों को दूर करने के लिए क्या प्रभावकारी तंत्र हो सकता है या हम क्या प्रयत्न कर सकते हैं इन मतभेदों को दूर करने के लिए? देखिए, मतभेद रहना कोई खराब नहीं, मतभेद रहना यही भारत की ताकत। को हम ये प्रश्न था, मैं कौन हूं, तो किसी ने कहा कि एक अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, लेकिन उसके साथ साथ जब इस अद्वैतवाद का विचार जब रखा गया, उसी के संदर्भ में द्वैतवाद भी आया, यदि मैं और तुम हो तो एक ही कैसे हुए। हाँ, ब्रह्म एक हो सकता है, उसके हम वंश तो अंश है लेकिन अलग अलग है, तो द्वैतवाद आया। फिर विशिष्टाद्वैत आया, उस विशिष्टाद्वैत के संदर्भ में और अनेक व्याख्या हुई, गीता, तो गीता के भी अनेक भाष्य हुए। कोई कह सकता है कि ये एक ही गीता है लेकिन इसकी इतने भाष्य, ये भारत में संभव है। बाकी किसी भी जो सो कॉल्ड धर्म ग्रंथ कहा गया है, चाहे बाइबल हो चाहे कुरान हो, उसके भाष्य नहीं दिखेंगे आपको, भाष्य करने वालों को सजा हुई है। हमारे यहाँ भाष्य भी हुए, उसकी टीका भी हुई, टिप्पणी भी हुई, कुछ विषयों को नकारा भी गया, कुछ विषयों को नए संदर्भों में रखा भी गया। तो मतभेद रहना कोई खराब बात नहीं, लेकिन मतभेद हो सकते हैं रास्तों के बारे में। गोल क्या है, उद्देश्य के बारे में एक समान सोच। हम जब वैदिक मंत्र जब सुनते हैं तो क्या कहते हैं, समानो मंत्र समिति समानी, मंत्र समान है समिति समान है, समानम मंत्र सहचित्तमेषां, चित्त जो है वो सह है, वो समान नहीं है, वो अलग अलग है, लेकिन क्योंकि हमारी समिति एक है तो उनमें से एक सोच के साथ एक दिशा में एक ध्येय के लिए काम करने की मानसिकता है। अलग अलग सोच होते हुए भी, अलग अलग रास्ते होते हुए भी, उन उद्दिष्टों को लेकर और उन मूल्यों को लेकर एक समान समाज की अवधारणा बनाना धार्मिकता के आधार पर, ये मूलभूत काम है। उद्दिष्ट तो अपने आप ही प्राप्त होगा। जब जब आरण्यक कुंभ और आरण्यक दो अलग अलग पद्धतियां, आरण्यक में तप करने वाले अलग अलग पथ के जो महर्षि होते थे वो चिंतन करते थे और आपसी विचारों का आदान प्रदान करते थे, उसमें से निकला हुआ निचोड़ जो है वो कुंभ में सामान्य व्यक्ति को जीवन आचरण के लिए दिया जाता था।
तो मुझे लगता है कि एक वैचारिक मंथन के आधार पर समान उद्देश्य के लिए प्रक्रिया और उस सोच के आधार पर सामान्य व्यक्ति के जीवन आचरण के, इसकी यदि हम ऋषि परंपरा को आज के संदर्भ में, जरूरी नहीं उसी तरीके से, आज के संदर्भ में हम पुनर्जीवित कर पाए, तो हम इस कंफ्यूजन में कभी नहीं रहेंगे कि इन मतभेदों के कारण हम अभी तक जीवित रहे, नहीं तो जहां जहां पे ये गुलामी में धकेलने वाली फोर्सेस गई है, वहां वहां की सभ्यताएं समाप्त हो गई। आप ऑस्ट्रेलिया में चले जाओ, आप लैटिन अमेरिका में चले जाओ, आप अमेरिका में चले जाओ, जहां जहां पे ये पहुंचे वहां वहां पे समाप्त हुए। उनका फ्रस्ट्रेशन ही ये है कि हजारों वर्ष से ज्यादा आक्रमण होने के बाद भी हिंदू सभ्यता बची रही है, हिंदू सभ्यता अपनी मूल सोच के साथ बची रही है, ये फ्रस्ट्रेशन। और इसीलिए 11 सितंबर को डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व नाम से एक कॉन्फ्रेंस कम्युनिस्ट इस्लामिस्ट मिशन की फोर्सेस एकत्रित होकर करने का प्रयास अमेरिका में करते हैं, जो विफल होता है, क्योंकि हिंदुत्व का आधार इस वैविध्य को सेलिब्रेट करने का है। वी आर नॉट डिफरेंट कल्चर्स, वी बिलीव दैट वी आर वन कल्चर दैट सेलिब्रेट्स डाइवर्सिटी, विविधता को उत्सव रूप में मनाने का विचार ये भारत है। लेकिन उस विविधता को एक समान उद्दिष्ट के लिए चैनलाइज करने का भी विचार भारत है। इन दोनों का समन्वय करने की क्षमता भी भारत है। भारत विरोधी विचारों को विरोधाभास तो मानता है, लेकिन उसमें समन्वय की दृष्टि को ढूंढता है, उसको आपस में संघर्ष नहीं मानता। जब तक ये समन्वयवादी हिंदू की दृष्टि भारत में है, तब तक भारत भारत की भारतीयता और भारत का विश्व ये जीवित रहेगा, और बार बार नए स्वामी जी नए ऊर्जा के साथ नई दिशा देने के लिए समय समयानुकूल हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। ये मेरा मेरा विश्वास है। अभी तक ये पूरे भारत के सनातन इतिहास में ये होता रहा है, आने वाले समय में भी होगा। उसके लिए हम अपना योगदान क्या दे सकते हैं, इसके लिए हमें संकल्प और सतत प्रयास करने की आवश्यकता है।